लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जज्बा है जो ड्यूटी से भी आगे निकल गया, अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए भी दुश्मन के मोर्चे को बर्बाद कर दिया। ऐसे वीर सिपाही का सम्मान करते हुए हम उसे सेना मेडल अर्पण करते हैं, कैप्टन जसवंत कुमार। हमारी सारी रेजिमेंट को तुम पर नाज है। थैंक यू सर। क्या सोचा है आगे, क्या करना चाहते हो? जंग तो देख ली सर, अब अमन की जिंदगी गुजारना चाहता हूं। आपको, आप तो बहुत जख्मी हो गए हैं। डरो नहीं, तुम्हारा स्वाग अभी सही सलामत है। यहाँ कोई किसी को बचाने नहीं आता, सबको अपनी अपनी जान की पड़ी रहती है। आप अकेले ही लड़ते रहते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ कि सबको बचाने का ठेका क्या आप ही ने ले रखा है? भाई तुम बोलती रहोगी या मुझे मदद भी करोगी? चलिए आइए। थैंक यू। आइए। थैंक यू साहब। आप
यार अच्छा है, मार भी खाओ ऊपर से हल्दी वाला दूध भी पियो। आप इनके खिलाफ लिखना छोड़ दीजिए, ना मार खाइए ना हल्दी का दूध पीजिए। सुना कुमार साहब, देखो डैडी आपके फोटो बहुत अच्छे, मेरी फोटो लीजिए देखिए, फोटो में भी पट्टी। तू अपने बाप को बहुत अच्छी तरह से जानता। लेकिन राजन साहब ये लोग हैं कौन, चाहते क्या हैं? पैसा। अपने आप को रक्षा मंडल कहते हैं, लोगों के जान और माल की हिफाजत करना। माल की हिफाजत चाहिए तो जान दे दो, जान की हिफाजत चाहिए तो माल दे दो। बड़े सीधे लोग हैं बेचारे। ये तो हर बात मजाक में उड़ा देते हैं भाई साहब। कोई मोहल्ला कोई बस्ती ऐसी नहीं है जहां वो लोग अपना हफ्ता वसूल ना करने जाते हों। सारे शहर में ये जहरीली बीमारी फैलती जा रही है। पर ये जुल्म ये लूटमार, क्या कोई पुलिस कोई कानून नहीं है यहाँ पर? हाँ वो भी है ना, लेकिन उस कानून को सबूत चाहिए, गवाही चाहिए, और इन लोगों के खिलाफ तो कोई बेवकूफी गवाही दे सकता है। और इत्तफाक से हमारे शहर में कोई बेवकूफ नहीं, सभी अकलमंद है, है ना बेटे? ये देखो अंकल आपकी फोटो। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी है। अरे गलती हो गई, आपका तो एक ही हाथ है। अरे कोई बात नहीं, हम आपकी गलती को ठीक कर देते हैं। ये देखो आ, आ, पकड़ो जरा, अब तो ठीक है। हाँ अब ठीक है। चलो पप्पू अंकल को परेशान मत करो, चलो। बहुत प्यारा बच्चा। कर्नल साहब ने लिखा है कि मैं आपकी कुछ मदद करूं, मगर कुमार साहब आपको देखकर लगता है कि आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं। मदद की जरूरत किसे नहीं होती। मैं इस बस्ती में गैरेज खोलना चाहता हूँ जी। कोई ऐसा आदमी है जो मेरा साथ दे और थोड़ा बहुत तजुर्बा भी हो बिजनेस का? तजुर्बे जिसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं ऐसा आदमी दूंगा मैं आपको। टैक्सी ड्राइवर है, ग्राहकों को ऐसे फांसता है कि जो ग्राहक कोट पतलून पहनकर आते हैं लंगोटी में वापस जाते हैं। ये तो बड़े काम का आदमी मालूम होता है। हाँ जी। कौन है ये? मैं हमेशा कहता हूँ कोई मानता ही नहीं कि जब से तू मिली है ना मेरी सारी दुनिया बदल गई। तेरी आवाज है बांसुरी की तान, तेरी चाल है हवा का झोंका। रात को जब मैं तुझे छूता हूँ ना तू बिजली से चमक जाती है। तुझे मेरी कसम अगर तू कहीं दूर चली गई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अरे ये नाजुक बदन और ये बॉम्बे की गर्मी, तू फिक्र मत कर रानी, मैं तेरे लिए पंखा ले आऊंगा। क्या चमक रही है तू आज? हाँ अयो मैं शायर तो नहीं मगर हसी, जब से देखा अबे कहाँ जा रहा हा? तू नहीं चमकी जो तेरे दिल में चमक रही है। बड़ी तारीफ कर रहा था मेरी। अबे हाँ तेरी नहीं मेरी टैक्सी की कर रहा था। चल 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 मेरा माल वापस कर। ये तुम्हारे पैसे और ये यहाँ जा रहे हैं। अरे ए, अबे ये क्या कर रही है? अरे भैंस उतर जा, मेरी लाली का क्या होगा? हाँ ढूंढ ले और निकाल ले अपने पैसे। अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? देख चमकी तो अब अगर मर्द का बच्चा है तो हाथ डाल के निकाल ले। तू यू नहीं मानेगी, चार लौटे नीचे उतर सीधी तरह देती कि मैं उल्टे हाथ से निकालूं। एक दूंगा, एक मिनट। बचाओ बचाओ दोस्तों भाइयों शहर के वासियों, जिंदा हाथ तुम्हारे सामने, मुझे ये बदमाश छेड़ रहा है, मार रहा है, इज्जत भी लूट रहा है। अरे किधर हो? अरे खोपड़ी फोड़ दीजिए। लेकिन मेरी बिपता भी सुन लीजिए, ये लड़की चोर नहीं है, इसने मेरे पैसे चोरी किए हैं। क्यों? अरे तो ढूंढ ले, तलाशी ले ले मेरी। क्यों भाई आप ही बोलिए, मैं इंसाफ की बात कर रही हूँ ना। अरे भाई इंसाफ तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, हनुमान का भक्त जो हूँ इसे छू नहीं सकता। लेकिन जनता छू सकती है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कोई मानता ही नहीं कि जनता का इंसाफ सबसे बड़ा इंसाफ होता है। तलाशी आप लोगों को ही लेनी पड़ेगी। हाँ तो भाइयों तलाशी कौन लेगा? हाथ ऊपर करो। हाउसफुल, अरे जाति कहाँ है, जनता से भागकर कोई नहीं जा सकता। अभी पता चलेगा कि माल कहाँ बांध के रखा है। हाँ तो जनाब पहला नंबर आपका, हिम्मत करके आगे बढ़िए। अरे ये क्यों तेरे पैसे पे? अबे तेरी, अरे देख लूंगी तुझे भी, जाएगा कहाँ, मेरा
नाम की याद रखना। नैया दिल में आना रे, क्या हवा मार रहा है बाप। आइए आइए, हमारी नई दुकान की ग्राहक नंबर वन। ये गाड़ी का पंखा क्या कीमत होगी इसकी? बिल्कुल मुफ्त, सिर्फ 200 रुपए। अच्छा है, मान दो। सुनिए, आज हमारी दुकान का पहला दिन है, इसलिए हम हमारी चीजों को सस्ते दामों में बेचना चाहते हैं। अगर ये पंखा आपको पसंद है तो आप इसे 100 रुपए में ले सकती हैं। ठीक है, देखिए राशन की दुकान के सामने हमारी टैक्सी खड़ी रहती है, नंबर है MMQ 4923, आप उसमें लगा दीजिए। टैक्सी नंबर MMQ 4923। आपका नाम? अरे नाम तो बताया नहीं। बैटरी, तू जानते हैं नाम? नहीं बॉस, हम भी नए टायर की तरह बिल्कुल नया है इस बस्ती में। अंकल मैं पुराना हूँ, सबको जानता हूँ। ये है सीमा दीदी, राजू भैया की दीदी। अच्छा, राजू भैया के जीजाजी को भगवान ने अपने पास बुला लिया, तब से ये राजू भैया के साथ ही रहती हैं। बहुत अच्छी दीदी है, मुझे रोज चॉकलेट देती है। अंकल आप ही तो अच्छे हैं। समझ गया समझ गया बैटरी। थैंक यू अंकल। हवा हवा को हाथ लगा था। तेरी तो है। इधर आ इधर आ, साला चोर पाली। अरे साला बाप का माल समझ रखा, चल चल बाहर निकल। अबे ये क्या बदतमीजी है, छोड़। पहले तो चोरी करता, उसके ऊपर दादागिरी, तेरी तो। क्या बात है बॉस, एक ही हाथ में सारे स्क्रू ढीले। आपने पंखा लगा दिया? जी नहीं, लगा ही रहा था कि डेंजर लाइट आ गया, हमने स्विच ऑफ कर दिया। राजू 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 कौन? मेरा भाई। ओ, आपका भाई? हाँ। सो सॉरी, अभी देख क्या रहा है, पानी लेकर। राजू 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 राजू, तू ठीक तो है ना? ये आपका भाई है? हाँ, मेरा छोटा भाई। अरे 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 राजू राजू, भाई क्या कर रहा है? दीदी वही चोर जो मेरे टैक्सी में चोरी कर रहा था, दूंगा इसको अभी। क्या कह रहा है? ये तो कैप्टन जसवंत कुमार है, मैंने इनसे कहा था तुम्हारी टैक्सी में पंखा लगा दे। पंखा पंखा पंखा। ये परिचय भी खूब रहा। मैं हमेशा कहता हूँ, कोई मानता ही नहीं, कि मुक्का लात के बाद जो मुलाकात होती है बड़ी पक्की होती है। पानी, ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी है मेरे दिल। हाँ हवा। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? अरे मार दिया, अरे मार दिया। चमकी तू? पहले से टैक्सी में डालकर जल्दी से ले चलो, ले चलो। पुलिस को बुला, अभी तक पुलिस नहीं आई है। अरे जल्दी भागो, मैं अस्पताल में फोन करता हूँ। राजू भैया पिटवाएगी मुझे, ठहर कोने तक पहुँचने दे, अच्छा मजा चखाऊंगा तुझे। चल चल, बहुत नाटक हो गया, निकलती है। अरे क्यों रे टिंगू, मेरी भांजी किधर है? भांजी अभी बुलाता हूँ। आई मौसी। अरे भांजे, दीनानाथ के घर से क्यों ले आया? हाँ मामा जी, हाँ मामा जी, मैंने तुझे नौकरी पर रखा, मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। हाँ मामा जी। क्या? हाँ मामा जी। मामा जी, आपके पास अच्छी क्वालिटी का पापड़ होगा? भांजी सबसे अच्छे पापड़ लिज्जत पापड़, मूंग पंजाबी स्पेशल, गार्लिक चिल्ली। कौन सा दो? लिज्जत पापड़ की इतनी वैरायटी, सभी दे दीजिए।
भाजे। ले डाल दे, डाल दे, सौ रुपया ले जा, ले जा। बलमा तेरा इंतजार। कौन है बे? क्या कर रहा है क्या? अरे क्या करता है छोटा, नहीं तो मैं तेरा टायर पंक्चर कर दूंगा। अरे ये क्या, मैं तो मारुति समझा था, ये तो ट्रक निकले। कौन है भाई? रक्षा मंडल का कैशियर, इसे गुंडे और बदमाशों से बचाने की तनख्वाह लेते हैं। 200 रुपए निकाल कैश। अरे भाई यहाँ तो बीड़ी तक पीने के पैसे नहीं है, मैं मालिक नहीं, असिस्टेंट हूँ, असिस्टेंट। तो मेरा भी असिस्टेंट ही वसूल करेगा। मालिक मैं हूं, मुझसे बात करो। नया पंछी है उस्ताद? अरे पंख भी कटा हुआ है, जानता है हम कौन है? रक्षा मंडल, हफ्ता वसूल करने आते हो। तो फिर देखता क्या है, निकाल हफ्ता। हफ्ता चाहिए आपको? हाँ। ये इस हफ्ते का। ये अगले हफ्ते का। ये तीसरे हफ्ते का। ये चौथा हफ्ता। ये पांचवा हफ्ता। अरे कमीनों भाग्य का हो, अभी तो सिर्फ 5 हफ्ते हुए, साल में 52 हफ्ते होते हैं। आराम खोर, क्या बात है उस्ताद, अब इधर आने का नाम भी नहीं लेंगे साले। अरे क्या कह रहे हो बैटरी भैये, वो लोग जरूर आएंगे। यशवंत भाई, बारूद के ढेर में चिंगारी डाल दी, अब वो लोग पूरी तैयारी करके आएंगे। आने दो, डरता कौन है? तुम क्यों डरोगे, तुम्हारा है ही कौन, न बीवी न बच्चे। हम तो बाल बच्चेदार आदमी है, तुम्हारे किए की सजा हमको भुगतना पड़ेगी। वो हमारे बच्चों को अनाथ कर देंगे और हमारी औरतों को विधवा। कमाने वाला चला गया तो खिलाएगा कौन, तू? अरे फौजी करता कहीं और दिखाना, बड़ा बहादुर बना फिरता है, अपाहिज कहीं का। अपाहिज तुम लोग हो, तुम्हारे शरीर पर फालिज पड़ी हुई है, हाथ उठ नहीं सकते, पांव चल नहीं सकते, आंखें हैं मगर फूटी हुई, जबान है मगर आवाज नहीं निकलती। चंद गुंडे आते हैं और लूट कर चले जाते हैं मगर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो लोग आते हैं और तुम्हारी औरतों की इज्जत खराब करके चले जाते हैं और तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो लोग आते हैं और तुम्हारे सुख चैन के घरों में आग लगाकर चले जाते हैं और तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तुम लोग, तुम का जवाब बुजदिली से देते हो, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी इज्जत सब मर चुकी है। तुम लोग अपने आप को जिंदा कहते हो, तुम लोग तो मुर्दे हो, अरे तुम लोग तो सड़ी हुई लाशें हो। अब आएंगे पीटर और उसके आदमी, सारी हेकड़ी निकल जाएगी। चुप रहो, क्या तुम इतने गिर गए हो कि अब तुम्हें उठने की इच्छा भी नहीं? जसवंत जी ठीक कह रहे हैं, हम कमजोर नहीं हैं, कमजोर बनाए गए हैं। हम अपने दिल से डर निकाल दें और मिलकर मुकाबला करें तो ये 20-25 गुंडे हमसे डरकर भाग जाएंगे, शांति नगर में वाकई शांति हो जाएगी।
अरे चलो भाई चलो 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 बात आई है का? नगर का लोग तुम अपन को अच्छी तरह से जानता है। पीटर गोंसाल्वेस रक्षा मंडल का सुपरवाइजर, तुमको मालूम है आज बाहर शहर में क्या हो रहा है? दंगा फसाद, खून खराबा, चोरी, डाका, मगर इधर इधर कोई लफड़ा नहीं है। किसी साले का हिम्मत नहीं है शांति नगर के तरफ आंख उठाकर देखने का। उसकी वजह है हम, रक्षा मंडल। और इस सेवा के लिए अगर हम तुमसे थोड़ा सा कीमत वसूल करता है तो ये हमारा हक बनता है। हमारा तुम्हारा रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना है। अगर अब उनका बीच में ये तीसरा पार्टी कौन आ गया हा? सुना है वो कोई फौजी है? वो साला अपना किस्मत खराब करता है हमारा बीच में आके। साला चुहा के माफिक अपना बिल में क्यों छुपता है? अपने नहीं जसवंत भाई, बड़ा सूरमा समझता है। वो लोग बहुत खतरनाक है। तो साला डरता क्यों है हा? अरे बाहर निकल वरना हम इस बस्ती को आग लगा देगा। पीटर, मैं आ गया हूं। तुम है, तुम गटा पिल्ला। साला एक हाथ लेकर हेकड़ी मारता है। कल तुम्हारे दो आदमी इस हाथ से मिल चुके हैं, आज तुम्हारा भी इससे परिचय हो जाए। बहुत भौंकता है, तुम जैसा कुत्ता का तुम में फटाका बांधकर हम साला गलियों में दौड़ता है। पीटर, ये जिस्म देश के दुश्मनों की गोलियां हजम कर गया, तू तो सिर्फ गालियां लेकर आया है, इससे क्या होगा? ऐसा क्या? मैं इस साले को नगर का लोग
देगा साला इस जिंदा लाश को और समझ जाओ जो हमारा तरफ आंख उठाएगा हम उसका आंख फोड़ डालेगा जो साला आवाज उठाएगा हम उसका जुबान काट डालेगा और जो सर उठाएगा उसका सर तोड़ देगा बच्चे देखो ना बच्चे को मारने लगने दी मम्मी आप तो ठीक है ना तुम्हें चोट तो नहीं आई बेटे नहीं अंकल बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछूं पूछो जसवंत जी ये सब आप क्यों कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं उनसे क्या हमदर्दी जो खुद मर रहे हैं मर मर कर जीना चाहते हैं तो क्या मैं भी उन्हीं की तरह बन जाऊं सीमा बाहर से जिंदा और अंदर से मरा हुआ मगर आप अकेले और वो सब मैं डर डर के जीना नहीं चाहता सीमा मैं किसी को पैसे देकर अपनी सांसें नहीं खरीदना चाहता मांगेगी जिंदगी का मतलब होगा मेरी आवाज मेरी नजर मेरे कदम मेरे अपने नहीं पराए हैं मैं जुर्म की रस्सियों से अपने आप को बांध लूं फिर भी रख लूं अपने आप को वो मेरे पांव में जंजीरें डालकर मुझे जिस तरह चाहे ले चले और मैं चलता जाऊं जिसमें मेरी मर्जी नहीं मेरा इरादा नहीं मेरी खुशी नहीं ऐसी जिंदगी को मैं एक पल भी नहीं गुजार सकता मैं बस मोहताज ऐसा जीना भी कोई जीना है सीमा अजीब बात है मेरे पति के भी ख्यालात बिल्कुल आप ही की तरह थे आपने मेरे पति की याद तुम हाँ तुमसे बात कर रहा तुमसे तुम समझते क्या अपने आप को हाँ तुम भी एक गोश्त पोस्ट के इंसान और गोश्त पोस्ट के कोई लोहे के बने नहीं क्या साबित करना चाहते हो कि तुम भी एक महात्मा हो हाँ राजू तूने पी रखी हाँ हाँ मैंने पी रखी पहले से पूछो मेरे मोहल्ले में आया क्यों अपनी बहादुरी दिखाने हम सबको नीचा दिखाने क्यों तुम्हारे जैसे और कोई नहीं हम सब डरपोक है क्या राजू चल मेरे साथ अरे तुम गलत समझ रहे हो गलत बहादुर यहाँ और भी है और भी इधर देख बहादुर और भी है तुम पप्पू को बचाने के लिए उसे लिपट गए और मैं वहां खड़ा देखता रहा क्या ये बहादुरी नहीं राजू तुम मार खाते गए और मैं इन्हीं आंखों से तमाशा देखता गया अपनी जगह से हिला तक भी नहीं क्या ये कम बहादुरी है एक बेचार लाश की तरह देखता गया क्या ये कम बहादुरी है किसी को तो हिम्मत कहते हैं हिम्मत